हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय नेम इज अर्शप्रीत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल दैट इज द वेव थ्योरी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था इन रे ऑप्टिक्स चैप्टर बट उसके केस में क्या था हमारे पास लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल राइट उसके केस में हमारे पास डायग्राम कैसे बना था दिस वॉज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे फॉल हुई थी दिस वॉज द इंसिडेंट रे एंड जब हमने नॉर्मल ड्रॉ करा था टू दिस सर्फेस तो हमें पता चला था दैट ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई है अलॉन्ग दिस पाथ दिस वॉज द नॉर्मल दिस वॉज द इंसिडेंट रे

रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय द यूज ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज द वेव थ्योरी आज हम इन दोनों लॉज को प्रूव करेंगे दैट इज आई इज इक्वल्स टू आर एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन स्टार्टिंग इट देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है ये एक्स वाई है प्लेन फ्लेक्टिंग सर्फेस एंड दिस ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वे हमने लास्ट वीडियो में थ्री टाइप्स के वे फ्रंट के बारे में पढ़ा था सो दिस टाइप ऑफ वे फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वे फ्रंट एंड एक बात आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है दैट दिस एक्स वाई इज प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड दिस ए बी इज ऑल्सो प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मतलब ये ए बी एंड एक्स वाई ये दोनों क्या है प्रपेंडिकुलर हैं उस प्लेन के जिस प्लेन में ये बोर्ड है आपके लिए क्या होगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं किसी कॉपी में तो ये जो एक्स वाई होगा एंड ये ए बी होगा वो प्रपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ पेपर राइट सो दिस एंड दिस आर प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड मैं यहां पर बोर्ड लिख रही हूं बिकॉज मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूं राइट right? सो so, क्या होता है दिस एक्स वाई इज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन वेव फ्रंट दैट इज ए बी अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अगर किसी भी वेव फ्रंट के प्रपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेस राइट right? तो इस फिगर में हमारे पास रेस कौन सी है एम ए एंड एन बी आर द इंसिडेंट रेस राइट तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करती हूं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है यहां पर हमारे पास पॉइंट ए एंड लेट टेक इट एज क्यू सो मेरे पास इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो एंगल कौन सा होता है इंसीडेंट एंगल होता है सो दिस एंगल विल बी आई एंड ये टोटल एंगल जो ये रे एंड ये वाली रे इस ए बी वे फ्रंट के साथ बना रही थी इट वॉज नाइन्टी डिग्री तो ये मेरे पास क्या आ गया नाइन्टी माइनस आई एंड दिस एंगल दैट इज दिस होल एंगल इट वॉज नाइन्टी डिग्री एंड इतना एंगल अगर 90 माइनस आई है मेरे पास तो ये एंगल कितना रह गया मेरे पास आई अकॉर्डिंग टू जिमेट्री अकॉर्डिंग टू जिमेट्री एक्चुअल में क्या था ये ये नॉर्मल ड्रॉ करा था मैंने दिस वॉज द इंसिडेंस एंगल एंड ये वेफरेंट था एंड ये एंगल टोटल कितना था मेरे पास 90 सो so ये एंगल क्या हुआ 90 माइनस आई एंड जो ये वाला एंगल था टोटल दिस एंगल इज 90 डिग्री जिसमें से ये वाला एंगल 90 माइनस आई है तो ये वाला एंगल कितना रह गया मेरे पास अकॉर्डिंग टू जीमेट्री इट इज आई अब क्या होगा अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पर हाईजींस प्रिंसिपल हाईजींस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या था कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट है वो एक्ट करता था एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते थे सेकेंडरी वेवलेट राइट तो सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट वेव फ्रंट से जो इस मिरर पर आएगा वो कौन सा पॉइंट होगा कौन सा पार्टिकल होगा जो प्रेजेंट होगा ए पर उसके बाद जो यहाँ पर यहाँ पर एंड सो ऑन ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस वेव फ्रंट पे ये सक्सेसिवली यहाँ पर आते जाएंगे लाइक दिस एंड किसी टाइम टी पर किसी टाइम टी पर यह जो पॉइंट बी है ये ट्रेवल होके पहुंच जाएगा हमारे पास डी पर एंड इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज वी टी इफ वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम राइट right? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वी टी एंड ये पहुंच गया अब किस पॉइंट पर डी पॉइंट पर अब देखिए जब ये बी पॉइंट पहुंच रहा था डी पॉइंट पर तो उस टाइम पर क्या होगा इस ए पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट समिट होने शुरू होंगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए अगर इसने ट्रेवल करा है वी टी डिस्टेंस तो उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ए ट्रेवल करेगा ए से जो हमारे पास सोर्स है वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम क्या लेंगे ए को एज सेंटर मानकर ए को एज सेंटर मानकर एंड रेडियस इक्वल्स टू वी टी वी विल ड्रॉ अ हेमी स्फेरिकल आर्क वी विल ड्रॉ हेमी स्फेरिकल आक लाइक like दिस पर आपने सेंटर माना इसको एंड ड्रॉ करा एट अ डिस्टेंस ऑफ वीटी तो ये भी क्या हो गया हमारे पास वीटी दिस ब्लू लाइन हमने ड्रॉ करा एक हेमी स्फेरिकल अब ये हेमी स्फेरिकल बेसिकली क्या है हमारे पास इट इज दी वेवलेट

आप देख सकते हैं ये सारा मीडियम क्या है एक ही मीडियम है सपोज मैं ले लेती हूँ रेरर मीडियम है एयर तो ये सारी जगह एयर ही प्रेजेंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सारा कुछ एक ही मीडियम में है तो ये क्या हो रही है हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है सिमिलरली जो इस वेव फ्रंट की प्रपेंडिकुलर लाइन्स होंगी दैट इज एफ एन डैश एंड डी एम डैश दीज विल एक्ट एज रिफ्लेक्टेड रेज दैट इज एफ एन डैश एंड डी एम डैश दे विल एक्ट एस रीफ्लेक्टेड रेस तो सिमिलरली अगर हम यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करें लाइक दिस तो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहे हैं आर टोटल एंगल ये है हमारे पास 90 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस आर एंड दिस एंगल इज टोटल 90 डिग्री तो उसके अकॉर्डिंगली ये एंगल आ जाएगा हमारे पास आर ये एंगल आ गया आई एंड ये एंगल आ गया आर अब हमारा एम क्या रहेगा हमने प्रूफ करना है दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर वो हम कैसे प्रूफ करेंगे देखिए हम कंसिडर करेंगे इस केस में दो ट्राइंगल्स दैट इज ए बी डी एंड द ट्राइंगल ए एफ डी ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एफ डी तो आप देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स बिहेव कर रही है आप इसमें लगाइए साइड एंगल साइड आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड है दैट इज दी साइड ए डी इज द कॉमन साइड एंड द साइड ए एफ इज इक्वल्स टू बी डी विच इज इक्वल्स टू वी टी एफ इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू वी टी एंड द एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ये दोनों क्या है नाइंटी डिग्री सो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के ये एंगल्स भी बराबर होंगे दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमने यही प्रूव करना था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दैट इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल अब जो सेकेंड लॉ था रिफ्लेक्शन का दैट इज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आई इन द सेम प्लेन उसको कैसे प्रूव करेंगे उसको हम थेरेटिकली प्रूव करेंगे देखिए अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट ये जो हमारे पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है एंड ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है दीज आर आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोट सिमिलरली हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोट होगा एंड इस वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर हमारे पास इंसिडेंट रेज है दैट इज एम ए सो एम ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इसके केस में दैट इज एफ डी के परपेंडिकुलर जो रे है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे वो कौन सी है हमारे पास डी एम डैश

द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द हाईजींस प्रिंसिपल दैट इज अ वेव थ्योरी हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था इसके बारे में रिफ्रिक्शन के बारे में बट उस टाइम पे हम मानकर चले थे दैट लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड यहाँ हम मानेंगे दैट लाइट बिहेव एज अ वेव एंड वी विल बी यूजिंग द हाईजीन्स प्रिंसिपल टू प्रूव द लॉज ऑफ़ रिफ्रिक्शन लॉज ऑफ़ रिफ्रिक्शन क्या थे इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ वॉज द स्नेल्स लॉ जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एन टू वन दैट इज एन टू बाय एन वन विच इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू v1 वन बाई वी टू ये हमने प्रूव करा था स्नेल्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था हमने एंड फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ा था अब ये दोनों लॉज को हम प्रूव करने जा रहे हैं यूजिंग द वेव थ्यूरी देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है एक्स वाई रहेगा एक इंटरफेस बिटवीन रेयर एंड डेंसर मीडियम के केस में बेसिकली हमारे पास क्या होता था मीडियम चेंज हो जाता था रेका तो दिस इज रेर मीडियम एक्स वाई के जो ऊपर वाला है दैट इज अ रेर मीडियम एंड एक्स वाई के नीचे वाला पार्ट है डेंसर मीडियम एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन द रेर मीडियम एज कंपेरटिव टू द डेंसर मीडियम लेटे टेक द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेर मीडियम इज वी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास क्या रहेगा ए बी रहेगा इंसिडेंट प्लेन वे फ्रंट ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन ट एंड इट इज ऑल्सो प्रपेंडिकुलर टू द्लेन ऑफ बोट इसके केस में भी एक्स वाई एंड ए बी बोथ आर प्रपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोट्स अब यहाँ पर क्या होगा देखिए हमें पता है दैट वेव फ्रंट के प्रपेंडिकुलर होते हैं रेस तो इसके केस में जो हमारे पास एम ए होगा एंड एन बी होगा एम ए एंड एन बी आर द इंसिडेंट रेट तो किसी टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर मैं बोलती हूँ दैट इज वे फ्रंट का जो ए पार्ट है यानी कि जो ए पार्ट part पे पार्टिकल प्रेजेंट है वो सबसे पहले टच करेगा इस इंटरफेस को दैट इज एक्स वाई को एंड बाय द टाइम पास इज लेटर्स टेक एट एनी टाइम टी क्या होगा जो बी होगा वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा एंड बी कोलाइड करेगा जाकर एक्स वाई पे एट अ पॉइंट डी यानी कि बी अब पहुंच चुका है एट द पॉइंट डी कितने डिस्टेंस में वी वन टी डिटेंस इसने कितना कवर किया दैट इज स्पीड इन टू टाइम स्पीड हमारे पास फर्स्ट मीडियम में क्या है वी वन सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी फ्रॉम रीचिंग डी इज इक्वल टू वी वन टी एंड उस टाइम पर हमारे पास जो ए पे प्रेजेंट है सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट कहां पर बनेगी फ्रॉम द पॉइंट पार्टिकल प्रेजेंट है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका हेमीस्फेर का रेडियस क्या होगा वी टू टी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हमने मीडियम सेम रखा था तो हमने आर्क ड्रॉ करी थी सेम मीडियम में बट इसके केस में क्या है रिफ्लेक्शन केस में क्या है जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है तो इसके केस में जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू वी टू टी वी टू टी हमने यहां पर क्यों लिया है रेडियस बिकॉज देखिए ना इस मीडियम में हमारे पास स्पीड क्या है वी टू है तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा वी टू टी एंड हम यहां पर ड्रॉ करेंगे एक हेमी स्फेरिकल आग एंड इस हेमी स्फेरिकल से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द पॉइंट डी सो दिस एफ डी इज नोन एज रिफ्रेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट so this fd is known as refracted plane wavefront and this fc and dm dash are known as the refracted rays fc and dm dash are known as the refracted rays

90, so this angle, that is FAD, will be 90 minus R, and this angle, that is the tangent drawn to this hemispherical arc, is by default 90 degree. तो मेरे पास ये angle आ जाएगा R. So अब हमें prove करना है laws of refraction. सबसे पहले हम Snell's law को prove करते हैं. चलिए. Now we will be considering the triangle ABD. इस ट्राइंगल में हम फाइंड करेंगे साइन आई की वैल्यू देखिए हमने ली है ट्राइंगल ए बी डी दिस एंगल इज आई तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन ऑफ आई की साइन ऑफ आई क्या होता है प्रपेंडिकुलर अपॉन हाई पोर्टिन्यूस अपॉन हाई तो प्रपेंडिकुलर हमारे इस केस में क्या रहेगा वी वन टी अपॉन हाई इस केस में क्या रहेगा हमारे पास ए डी सिमिलरली साइन ऑफ आर हम फाइंड करेंगे इन द ट्राइंगल ए एफ डी प्रिपेंडिकुलर अपॉन हाई पोर्टिन्यूस तो इसके केस में हमारे पास प्रिपेंडिकुलर क्या रहेगा ए एफ अपॉन हाई पोर्टिन्यूस इज सेम दैट इज एडी एंड ए एफ की वैल्यू क्या है वी टू टी बाई ए डी देखिए जब हमने ये ट्राइंगल कंसिडर करी है ए एफ डी सो दिस इज दाइन्टी डिग्री एंगल तो ये प्रपेंडिकुलर होगा दिस इज बेस एंड दिस इज हाई पोर्टिन्यूज तो साइन ऑफ आर की वैल्यू क्या है प्रपेंडिकुलर अपॉन हाई पोटिन्यूज तो ए एफ अपॉन ए डी अब हम करेंगे साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इट इज इक्वल्स टू वी वन टी बाई ए टी डिवाइडेड बाई वी टू टी बाई ए टी इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू एंड साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ़ आर को हम क्या लिख सकते हैं एन टू वन बेसिकली ये जो एन टू वन होता है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एंड इट इज अंस्टेंट इसकी वैल्यू होती है एन टू बाई एन वन एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट सो so, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई साइन ऑफ आई बाई साक्वल टू एन टू बाई एन वन ये हमने प्रूव कर रखा है इन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमारे पास एक लॉ प्र हो गया स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ को हम कैसे प्रूव करेंगे देखिए सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रेक्टेड रे ऑल शुड लाई इन अ सेम प्लेन तो मैंने आपको बताया दैट जो एक्स वाई है इसके डिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं एन एन डैश को ए बी इंसिडेंट वे फ्रंट इसके प्रपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था एम ए को दैट वॉज द इंसिडेंट रे एंड जो एफ डी था इसके प्रपेंडिकुलर था हमारे पास एफ सी और यू कैन से डी एम डैश एंड डी एम डैश इज वॉट रिफ्लेक्टेड रे तो आप बोल सकते हैं अगर मैंने बोला था एक्स वाई ए बी एन एफ डी ये सारे लाई कर रहे हैं उस प्लेन में जिस प्लेन में ये बोर्ड है उसके प्रपेंडिकलर तो मैं बोल सकती हूँ दैट एम एन डैश एम ए एंड डी एम डैश ऑल लाई इन सेम प्लेन सो हैंस आर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन इज ऑल्सो प्रूफ्ड देखिये अभी हमने ये वैल्यू फाइन करी थी दैट एन टू वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन जिसकी वेल्यू आई थी वी वन बाय वी टू एंड अगर इसको मुझे लिखना हो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ तो मुझे पता है दैट विलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन टू वेव लेंथ एंड जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ़ द इंसिडेंट रे एज वेल एज द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे इस केस में हम बात कर रहे हैं रीफ्रेक्टेड रे तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम रहती है सो म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू एंड यहाँ से हमें रिलेशनशिप मिलता है दैट एन टू वन इज इक्वल्स टू लेमडा वन बाई लेमडा टू यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda this is very important relation and it is only valid to the point if our observer or source are not in motion with respect to medium अगर हमारे पास सोर्स या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वर मोशन में है तो उसके केस में अलग इफेक्ट आता है ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता उसके केस में वैल्यू जो आती है वो हम फाइंड करते हैं यूजिंग डॉपुलर्स इफ़ेक्ट उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ प्रिज्म लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स द प्लेन वेव सपोज दिस इज़ अ प्रिज्म विच हैज़ अ प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है कोई इंसिडेंट प्लेन वे तो आप देख सकते हैं इसके बाद प्रिज्म के बाद ये ट्रेवल करने के बाद जो यहाँ से हमारे पास रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट निकलेगा दैट विल बी टिल्टेड ये कुछ टिल्ट होगा ये टिल्ट क्यों होगा बिकॉज जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा थिकनेस ट्रेवल करनी पड़ी है एज कंपेरिटिव टू द अपर पार्ट सो इसलिए क्या हो जाएगा टिल्ट हो जाएगा मूविंग ऑन टू द सेकेंड केस अगर हम बात करें लेंसेज के केस में लेंसेज के केस में अगर कोई इंसिडेंट प्लेन वे फ्रंट है जो इसके ऊपर इंसिडेंस हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में से लेंस क्या है थिक है So, जो बीच वाला हिस्सा होगा इंसिडेंट प्लेन वेट का उसको ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल होने में तो वो कुछ पीछे रह जाएगा एज कंपैरेटिव टू दी दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन विल बी लेफ्ट बिहाइंड सो दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज फेरिकल वेव ऑफ रेडियस एफ एफ इज हेयर नोन एज द फोकल लेंथ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस अगर हम बात करें कनकेव मिरर्स के केस में तो कनकेव मिरर्स के केस में क्या होगा जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा लाइक like दिस तो आप देख सकते हैं जो बीच वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इसके इनर पोर्शन में जाने में तो इसीलिए जो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा हमें आफ्टर रिफ्रेक्शन वो कैसा मिलेगा लाइक दिस विच हैज रेडियस इक्वल्स टू फोकल लेंथ विच इज इक्वल्स टू आर बाई टू हेयर आर इज नोन एज द रेडियस ऑफ विचर एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डॉपुलर्स इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज आई विस